एपिसोड में हम खेलने वाले हैं माइनक्राफ्ट, माइनक्राफ्ट 3D रिवॉल्यूशन। आज मैंने मेरा खुद का एक घर बनाया, आपको अभी दिखाता हूँ। 1, 2, 3 अभी हम करने वाले हमारे घर का फेस रिवील। ये है हमारा घर। तो मैं क्रिएटिव मोड में ही बनाया, ये इतना बनाने को आता ही ना, इतना ज़्यादा नहीं आता। ठीक है, अभी आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर इसकी डिज़ाइन के साथ इसको बनाया है। बहुत ही हार्ड लगा था ये, फिर भी मैंने बनाया। और अभी आपको दिखाता हूँ मेरे घर के अंदर का सब मटेरियल, इंटीरियर। एक मिनट, हाँ ठीक है, ठीक है, नहीं थोड़ा सा ख़राब हो गया ये। ठीक है, अभी इसको यहाँ पर और इसको यहाँ पर इसको कट कर देते हैं। ठीक है, अभी ये थोड़ा ठीक लग रहा है। अभी आप देख सकते हैं हमारा जो इवनिंग हो रही है वैसे भी। और मैंने यहाँ पर आप भी ऐसे मटेरियल बना सकते हैं। मैंने यहाँ पर स्नो डाली है और ऐसे ही बैठने के लिए बनाया था। सो ये ऐसे ही मैंने बनाया था। और यह आप देख सकते हैं मेरा टेबल मैंने बनाया है। और नीचे से जो है लाइट्स कुछ इस तरीके से ये दिखे आप मैंने देख लगाई है। और अभी अगर आप यहाँ से देखोगे तो अंदर से एक स्विच है। अभी मैं बनाता हूँ, नहीं बनाया मैंने। ठीक है, तो अभी मैं वही स्विच लेता हूँ। मिल नहीं रहा। स्विच कहाँ है? इससे नहीं आ रहा ना, बटन है क्या? हाँ बटन होगा। BUTT BB BB TO। हाँ ठीक है, अभी ये वाला बटन लेता हूँ मैं और नीचे से ही लगा देता हूँ इसको। ये कुछ इस तरीके का होता है। अगर आप यहाँ से देखोगे तो नीचे से एक अच्छा वाला फ्लोर आपको दिखेगा। तो इसलिए आप हमारे बनाया था, आपके लिए बना दिया। अगर आप यहाँ से देखोगे तो एक अच्छा सा मटेरियल आपको दिखाई देगा। ऐसे देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है ये। सो यहाँ पर जो है हमारा ये है आवन। अरे फ्रिज का ये रहा। सो ये है हमारा फ्रिज। एसी बना दिया था मैंने। अगर आप यहाँ से देखोगे तो यहाँ पर एक बुक स्टैंड है। यहाँ पर बुक स्टैंड बनेंगे, एक बैठने के लिए चेयर भी लगाई है मैंने। अगर आप ऊपर जाओगे, सो आज की स्टूडियो में मैं इतना ही बताने वाला हूँ कि मेरा घर कैसे बनाया मैंने। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने इसके इस तरीके से मटेरियल्स बनाए हैं। आप भी ऐसे ही बना सकते हो। अगर आप यहाँ से मेरी गैलरी में जाएंगे तो यहाँ पर मैंने कार्टून की गैलरी बनाई है। यहाँ पर मैंने स्नो डाली। अगर आप देखोगे तो वॉल्यूम बढ़ा देता हूँ। अगर आप यहाँ पर देख सकते हो तो ये देखिए, मैंने यहाँ पर ये रखा है अच्छा स्टाइल देखने के लिए। और यहाँ से देखोगे तो थोड़ा सा सीढ़ी जैसा यहाँ से बना रखा है। ठीक है, बड़ा ही सिंपल से लुक दिया था मैंने इसको। अगर आप यहाँ से नीचे जाओगे तो अगले वाले वीडियो में यही आपको घर दिखाऊंगा। इसी एडवेंचर्स बारे में दिखाऊंगा और दूसरा वाला भी घर बनाऊंगा बाद में। और पहले ये तो देखो, ये देखिए, ये क्रिएटिव में बनाया घर है। सरावल में इतना अच्छा घर नहीं बना सकता कोई भी। बना तो उसके पास अनलिमिटेड रिसोर्सेज भी होने चाहिए इससे इतना अच्छा घर बना। ये है हमारा बेड। अगर आपको एक बेड अच्छा लगा तो आप भी ऐसे ही बना सकते हो। ये मेरा सुकेश बनाया है, ऊपर रखने के लिए बनाया है। और यहाँ से लगता है टॉयलेट्स बनाए हैं।
अरे खोल दे, आप देख सकते यहाँ पर कितना अच्छा मैंने, ओ भाई कितना अच्छा मैंने यहाँ, ये एक बच्चे के लिए रूम है, बच्चे के रूम, बच्चे छोटे से बच्चे की। और यहाँ पर मैंने ऐसे ही इसको ऐसे कलर में दे दिया था, एकदम रियल लग रहा है ना। और यहाँ से आप देखिए तो ये बेबी के रूम है। और यहाँ पर थोड़ा सा बैठने के लिए बना रखा है मैंने, ये पूरी की पूरी सबकी बेडरूम ही है बस, आप कह सकते हो। यहाँ से अगर आप देखोगे तो आपको नजर आएगा दूसरा वाला रूम। यहाँ पर एक टॉयलेट ये बनाया है मैंने, और ये नल है हमारा। यहाँ अगर आपको अच्छा लगा तो इसको सब्सक्राइब कीजिए। ये देखिए ये है हमारा बाथरूम। अगर यहाँ आपसे देखोगे तो यहाँ पर ऐसे लाइट्स रखा रखे हैं, ऐसा लगेगा आपको। और आप देख सकते हैं यहाँ पर छोटे बच्चों के बाथटब और ये बड़ों का। सो अगर आप यहाँ से दूसरी जगह पर भी देखोगे ना, ये मुझे ठीक नहीं लग रहा, ये मैं निकाल दे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, तो आपको मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।